आप सभी लोग देखते होंगे जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि आपके देश में लोकसभा चुनाव होते हैं, तो चुनावों के रिजल्ट आने के पहले ही आप लोगों ने दो तरह के पोल देखे होंगे। एक तो आप देखते होंगे कि ओपिनियन पोल और एक आपका एग्जिट पोल होता है। और इन दोनों पोल को आप देखिए, विभिन्न तरह के जो न्यूज चैनल हैं, विभिन्न एजेंसी हैं, इनके द्वारा जनता की राय लेकर ये पोल किए जाते हैं। और इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि इस राज्य में इसकी सरकार बनने जा रही है। और आप देखिए, इस सत्ता को या इस पार्टी को आप देखिए, इतनी सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरह का एक अंदाजा होता है। यह सच होता है, गलत होता है, ये तो आप देखिए रिजल्ट से। आप लोग जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जब तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग हकीकत जान सकेंगे। और अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो आपको बता दूं कि ये चुनाव होने के पहले, वोट डलने के पहले ही किया जाता है। और इसमें आप देखिए, किसी चुनावी क्षेत्र में आप जाते हैं, कोई एजेंसी का कोई व्यक्ति गया या किसी न्यूज चैनल का कोई व्यक्ति गया, और आप देखेंगे कि वहां के लोगों से राय पूछते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जो वोटर हैं या नहीं है, दोनों तरह के लोगों को शामिल किया जाता है। और जनता से बात करते हैं, उनकी नाराजगी देखते हैं और हर क्षेत्र में जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 2022 के पहले चुनाव की डेट जब से अनाउंस हुई थी, उसके पहले ही से ही आप लोग देख रहे होंगे ओपिनियन पोल आने शुरू हो चुके थे। फिर आपने देखा है कि आपकी आज शाम को जैसे ही आपने देखा है कि सातवें चरण के, अंतिम चरण के वोट पड़े, उसके बाद आपने देखा कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, विभिन्न न्यूज चैनलों के द्वारा आपके एग्जिट पोल देने शुरू कर दिए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि एग्जिट पोल क्या होता है, तो याद रखिए क्या रहता है कि एग्जिट पोल में क्या रहता है कि मतदान करके जब कोई वोटर निकलता है तो उनसे पूछा जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। और एग्जिट पोल में केवल वोटर्स को ही शामिल किया जाता है, इसमें आप जो गैर वोटर हैं, आप समझ रहे हैं, जिनका वोट नहीं है उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। एग्जिट पोल को जरूर आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछ ले। और इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग वोट डालकर बाहर आते हैं उन्हीं से एक तरह से बात की जाती है, और किस पार्टी पर भरोसा है और किसे वोट, किस मुद्दे पर वोट दिया हुआ है, इसी तरह के आप देखिए कि उस वोटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। और खासकर अगर एग्जिट पोल की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें कई जगह आप देखिए 30 से 35 हज़ार लोगों को शामिल कर लिया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह के कई लोगों को शामिल करके पूछ के, विभिन्न जातियों के, समूहों के, धर्म के लोगों से पूछा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इन एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल दिए हुए हैं, इनमें उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे आपका, आप देखिए पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, इसमें किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये सही होंगे ये एग्जिट पोल या गलत होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कौन सा वक्त की बात करें, ये वक्त बताएगा आपका 10 मार्च को, 10 मार्च को क्लियर तस्वीर हो जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, और आप देखिए भारत के सभी लोगों की नजरें उत्तर प्रदेश पर जमी हुई हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो दिल्ली की सत्ता है इसका रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, क्योंकि अगर आप विधानसभा में देखें जो 403 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, और अगर राज्यसभा में आप देखें तो 31 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, और इसीलिए आप देखिए राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें अगर आप लोग बीजेपी की बात करें और देखिए एबीसी, जो एबीपी सी वोटर है ना, इसका एग्जिट पोल है, तो इसमें बीजेपी को 228 से लेकर 244 सीटें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। और एसपी को, यानी कि सापा की अगर हम लोग बात करें, समाजवादी पार्टी की, तो 132 से 148 सीटें दिखाई जा रही हैं। बीएसपी की बात करें तो इसमें 13 से 21 सीटें दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे कांग्रेस को 4 से 8 सीटें दिखाई जा रही हैं। यानी कि एबीपी सी वोटर की अगर हम लोग बात माने, उनकी राय माने, तो इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है,
और अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है ये दूसरे नंबर पर रह रही है, और बीएसपी यानी कि जो मायावती की पार्टी है वो तीसरे नंबर पर रह रही है। ठीक है, और अगर हम लोग एबीपी सी वोटर की एग्जिट पोल पंजाब में अगर देखें तो आपको बता दूं कि पंजाब में 117 सीटें हैं। कितनी? 117 सीटें हैं। और आपको बता दूं कि यहां बहुमत में आने के लिए 59 सीटों की जरूरत होती है। वहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश में 202 सीटों की जरूरत होती है बहुमत में आने के लिए। तो पंजाब में आप देखेंगे 117 सीटों में से आप यानी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को 51 से लेकर 61 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो 22 से 28 सीटें दिख रही हैं, और शिरोमणि अकाली दल है इसे 20 से 26 सीटें एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं, और बीजेपी को और इसके सहयोगी दलों को 7 से लेकर 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी यहां बहुमत में रहे और सरकार बना ले। अगर एबीपी सी वोटर की अगर एग्जिट पोल अगर हम लोग उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको बता दूं उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और यहां बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत है। तो इसमें आप देखिए कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को 26 से 32 सीटें दिखाई दे रही हैं, और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें, और अदर जो आप देखते हैं कई निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं तो 3 से 7 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी कि उत्तराखंड में भी आप देखिए कि कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है एबीपी सी वोटर के हिसाब से। वहीं अगर हम लोग देखिए कहां गोवा में पहुंचे तो 40 सीटें आपको दिखाई देगी और यहां बहुमत के लिए 21 सीटें जरूरी है। तो यहां अगर बीजेपी की बात करें तो 13 से 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 12 से 16 और टीएमसी को 5 से 9 और आदर्श को 0 से 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी कि आप देखिए कि यहां किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, यानी कि आप हो सकता है कि गठबंधन की सरकार देखने को मिले। वहीं अगर हम लोग मणिपुर की बात करें एबीपी सी वोटर के हिसाब से एग्जिट पोल में तो यहाँ 60 सीटें हैं और बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत पड़ेगी, और बीजेपी को ये 23 से 27 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 12 से 16 सीटें, एनपीपी को 10 से 14 सीटें और एनपीएफ को 3 से 7 सीटें। यानी कि यहाँ भी बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक इसका है एबीपी के जो सी वोटर है इसका एग्जिट पोल है। वही अगर हम लोग इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की बात करें एग्जिट पोल की तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलिए। आप लोग कहाँ? उत्तर प्रदेश चलिए तो यहां आप देखेंगे तो 402-3 सीटें हैं, और 403 सीटों में अगर आप लोग देखें तो 202 सीटें हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुमत के लिए जरूरी है। इसमें बीजेपी को 288 से लेकर 326 सीटें दिखाई दे रहा है, यानी कि साफ बहुमत प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है, और सपा को आप देखिए 71 से 101 सीटें दिखाई दे रहा है, बीएसपी को 3 से 9 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें यानी कि प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को पंजाब में दिखा रहा है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया। कांग्रेस को 19 से 31 और शिरोमणि अकाली दल को 7 से 11 और बीजेपी को और उसके सहयोगी जो भी गठबंधन है 1 से 4 सीटें। वहीं अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां बीजेपी को साफ बहुमत दिखाई दे रहा है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में, कांग्रेस को 20 से 30, बीएसपी को 2 से 4 और अदर्स को 2 से 5 दिखाई दे रहा है। वहीं गोवा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप देखेंगे यहाँ कांग्रेस को 15 से 20 और बीजेपी को 14 से 18, एमजीपी को 2 से 5 और अदर्स को 0 से 4। वहीं अगर मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीजेपी को 33 से 43, कांग्रेस को 4 से 8 और एनपीपी को 4 से 8 और अदर्स को 4 से 15, 6 से 15। इसमें भी आप देखिए कि बीजेपी को मणिपुर में बहुमत दिखाई दे रहा है मिलता हुआ। ठीक है, तो ये भी आप लोग इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अगर आंकड़े देखें एग्जिट पोल के तो आप लोगों को साफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम लोग टाइम्स नाउ की अगर बात करें कि टाइम्स नाउ में क्या हाल है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं। हम लोग कहाँ चलें? उत्तर प्रदेश ही चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 225 सीटें टाइम्स नाउ बीटो इसके एग्जिट पोल दे रहे हैं,
और वहीं समाजवादी पार्टी को 151 सीटें, बीएसपी को 14 सीटें, यानी कि कांग्रेस को 9 सीटें। यानी कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए अभी तक एबीपी सी वोटर में भी बीजेपी को बहुमत दिखा रहा है, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया में भी बीजेपी को बहुमत दिखा रहा है, टाइम्स नाउ बीटो में भी इंडिया मतलब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत दिखा रहा है। वहीं अगर पंजाब के परिप्रेक्ष्य में देखें टाइम्स नाउ को, तो कांग्रेस को देखिए अभी यहां टाइम्स नाउ पर नहीं आया हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग टीवी भारत का देखें, टीवी भारत वर्ष का पोल स्टार्ट अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या दिखा रहा है बताइए, तो इसमें आप देखिए बीजेपी को 211 से लेकर 211 से लेकर 211 से लेकर 225 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और एसपी को सापा को यानी कि 146 से 160, बीएसपी को 14 से 24, कांग्रेस को 4 से 6। यानी कि कहने का मतलब है कि TV9 भारतवर्ष के जो एग्जिट पोल आए हुए हैं इसमें भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत दिखता दिखाई दे रहा है। वहीं पंजाब के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आम आदमी पार्टी को 56 से 60 और कांग्रेस को 24 से 29 और शिरोमणि अकाली दल को 22 से 26 और बीजेपी को एक बीजेपी और उसके जो सहयोगी गठबंधन है उसका 1 से 6, ठीक है। तो यहां आप देखिए पंजाब में ये आम आदमी पार्टी को दे रहा है लगभग, ठीक है। वहीं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कांग्रेस को 33 से 35 और बीजेपी को 31 से 33 और आम आदमी पार्टी को 0 से 3 और अदर्श को 0 से 2। यानी कि उत्तराखंड में किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है साहब, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, ठीक है। वहीं अगर गोवा की बात करें तो आप देखें गोवा में बीजेपी को 17 से 19 दे रहा है, कांग्रेस को 11 से 13 और आम आदमी पार्टी को 1 से 4 और आदर्श को 2 से 7। यानी कि यहाँ भी किसी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बात हो रही है। वहीं मणिपुर की अगर बात करें आपसे तो यहाँ आप देखेंगे अभी इसका पोल नहीं आया हुआ है, और सबसे जरूरी मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल है, और उत्तर प्रदेश के ऊपर आप देखिए सभी की निगाहें एक तरह से टिकी हुई है। वहीं अगर हम लोग News24 Today का चाणक्य अगर एग्जिट पोल देखें तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात आती है, किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो आपको बता दूं बीजेपी को 294 सीटें दे रहा है, बीजेपी को कितना दे रहा है, 294 सीटें दे रहा है, और समाजवादी पार्टी को 105 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट। यानी कि आप देखें कि जो News20 का एग्जिट पोल है इसमें भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को साफ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, प्रचंड बहुमत, ठीक है। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में अगर News20 को पंजाब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आम आदमी पार्टी को 100 सीटों की बात कराएं, कांग्रेस को 10 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 6 और बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि पंजाब में एपी अगर News20 Today का अगर हम लोग चाणक्य का अगर एग्जिट पोल देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। वहीं उत्तराखंड में बात करें तो आप देखेंगे बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, 43 सीटें दिखा रहा है, कांग्रेस को 24, अदर्श को 3। और अगर हम लोग इसमें अभी और बाकी इसके आने जरूरी है, लेकिन आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल चुका है, और आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों को इस एग्जिट पोल पर भरोसा है? देखिए मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं है, मैं एग्जिट पोल को कम ही मानता हूं, और इसकी एक वजह है क्योंकि आप देखिए कि हम लोग हमने कई राज्यों का एग्जिट पोल पहले भी देखा हुआ है, और उसमें जिस तरह से आप देखिए एग्जिट पोल गलत हुए हैं ये आप लोगों के सामने रहे हैं, और 2 दिन का और 3 दिन का इंतजार करिए, 2 ही दिन का, उसके बाद हमारे सामने हकीकत में जो आंकड़े होंगे सामने आ चुके होंगे। और जिस तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश के समीकरण रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ डाउट हैं, और अब ये डाउट हमारे 10 ही तारीख को साफ होंगे। लेकिन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। और एग्जिट पोल हमेशा याद रखिए कि आपके जो वोट पड़ जाते हैं
अंतिम चरण के, उसके बाद ही आते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, आपकी राय मेरे लिए जरूर मायने रखेगी। कुछ आपके आंकड़े हों अगर तो आंकड़े भी बताइएगा कुछ।